हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये ब्लॉग है हनुमानगढ़ी का, जो हमारी काठगोदाम में है। इससे पहले आपने हमारे ब्लॉग में देखा था कि हम गौला बैराज जाम पर गए थे। गौला बैराज में हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया, और उसके बाद हम लोग वहीं से निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए। हनुमानगढ़ी वहाँ से बहुत ही थोड़ा सा ही मतलब पास पे है, ज़्यादा देर नहीं लगती वहाँ से, और हम लोग ये पैदल पैदल ही वहाँ से वहाँ पहुँच गए। हमारी घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये, ना ही गौला बैराज हमारे घर से ज़्यादा दूर है, ना हनुमानगढ़ी। तो हम लोग ऐसे पहले वॉक के लिए भी जाते थे, तो हम हनुमानगढ़ी से बहुत आगे पड़ता है CRF कैंटीन तक भी हम लोग पैदल ही चले जाते थे। तो आपको देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में कि हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। ये आप देख सकते हैं, ये है वहाँ का पुल है, ये गौला नदी नीचे बह रही है। बारिश के टाइम में गौला नदी में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो इतने ज़्यादा नहीं है, बारिश स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद आपको हम फिर दिखाएंगे ब्लॉग में कि कितना पानी यहाँ पर आ जाता है ऊपर तक। और यहाँ अभी इस टाइम पर इस पुल पे काम भी चल रहा है, तो आप अभी आप आगे देखेंगे कि यहाँ पुल पे काम चल रहा है। और ये देखिए, यहाँ से मंदिर दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर में जहाँ लाइटिंग भी दिख रही है, ये है हनुमानगढ़ी मंदिर। और हम आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे, हमारे साथ वीडियो में रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये पुल का काम चल रहा है। और ये आ गया है हनुमानगढ़ी का मोड़। अब इससे आगे हम चलेंगे तो हमें गेट दिखेगा हनुमान धाम का। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में ट्यूसडे और सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं, जब कभी आइएगा तो बहुत भीड़ होती है, और यहाँ बंदर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मंदिर के दरवाजे वगैरह बंद करके रखते हैं, जिसने पूजा करनी होती है वो दरवाजे खोलते हैं और पूजा करने के बाद फिर बंद कर देते हैं। ट्यूसडे और सैटरडे वाले दिन खुले रहते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उतना बंदर नहीं परेशान करते। मगर अभी जब कोई नहीं होता है तब बहुत ज़्यादा बंदर दिक्कत करते हैं। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे देख सकते हैं आप, पेड़ों पर भी ऑरेंज कलर का रखा है, ऑरेंज और रेड, और पूरे मंदिर में यही है। बहुत साफ़ सुथरा मंदिर है। ये देखिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई थी, और मैं और ये देखिए ये बेटी है, और ये बना रहे, मेरा बेटा वीडियो बना रहा था यहाँ पर। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की मंदिर के अंदर। मंदिर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पीपल के, बेल के, आम के, और दूसरी साइड से एक नहर बह रही, गौला नदी बह रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये है अंदर एंट्री करने के बाद सबसे एक बड़ा सा एक घंटा मिलेगा आपको पेड़ के पास, ये देखिए। और फिर हम जा रहे हैं अंदर मंदिर के। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी रंगोली बना रखी है, और
बेटा है, तो वो देखिए कैसे बजा रहा है कूद कूद कर घंटिया। अब यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है और ये रहे हमारे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी। ये हमारे ससुर जी ने यानी मेरे पापा जी ने यह इसकी स्थापना कराई थी। और ये वस्त्र आज उन्हें बृहस्पति है तो आज उन्हें वस्त्र बदले गए हैं। ये पापा ने बनवाए थे, देखो लग रहे हैं भगवान जी। और ये है माँ काली और हम लोग के साथ। आप लोग भी माँ काली का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए उनसे और हम आगे चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। और ये देखिए ये है हमारे भोलेनाथ और माँ गौरा, सिर्फ परिवार है यहाँ पर पूरा। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। और इनके पास में ही है हमारी माँ शेरावाली, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। फिर हमने एक एक करके सारे भगवानों का यहाँ आशीर्वाद लिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, फिर हम लोग घर के लिए वापस निकल गए। और आते वक्त यहाँ पर आपको दिखाएंगे एक पीपल का पेड़ भी है जिसकी पूजा की जाती है। उस पूजा करने के बाद और शनि देव के दर्शन करने के बाद उसके बाद हमने पंडित जी से प्रसाद लिया और फिर हम घर वापस आ गए थे। और देखिएगा इस मंदिर में कितना सुंदर लगता है, रात के समय भी इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लाइटें वाइटें सब लगी हुई हैं और ऊपर से इतने सारे पेड़ हैं और एक साइड से नदी बह रही है तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे देखिए नदी का है ये, यहाँ से नदी बहती है। ये देखिए मेरे बेटे को कितना मजा आ रहा है ऐसे घंटी बजाने में। फिर हम लोगों ने भी एक एक करके घंटी बजाई और उसके बाद हम देखिए शनि देव के दर्शन के लिए जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये वही है ये पीपल का पेड़। और यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं शनिवार को और उसकी फिर पूजा करी जाती है यहाँ पर। और यहाँ इसके पास में भी आपको मैंने दिखाई थी।